स्ट्रक्चर की इस सीरीज में आपका स्वागत है। यहाँ पर 25 पार्ट्स है। फर्स्ट पार्ट इंट्रोडक्शन से लेकर के एडवांस तक जाएंगे और इस डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हम हिंदी लैंग्वेज यूज़ करेंगे, टेक्निकल लैंग्वेज यूज़ करेंगे। इस डेटा स्ट्रक्चर के अंदर सी प्रोग्रामिंग यूज़ करा जाएगा एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करने में। एक्सरसाइज के अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस उसमें से गेट क्वेश्चन पेपर से भी लिए गए हैं। अब बात करते हैं डेटा स्ट्रक्चर की। डेटा स्ट्रक्चर के अंदर दो पार्ट हैं, डेटा एंड स्ट्रक्चर्स। पहले डेटा को देखते हैं, क्या है डेटा, कैसे काम करता है, उसके बाद स्ट्रक्चर पे आते हैं। डेटा के लिए कहा जाए तो सिंपल वन वर्ड में कहा जा सकता है कि डेटा जो भी आपको दिखता है अपने आसपास सभी डेटा है। वट आर द वैल्यूज इज देयर। अगर आप किसी का नाम देखते हैं वो भी एक डेटा है, अगर किसी की हाइट देखते हैं वो भी एक डेटा है, किसी की एज, वेट, ऑल दीज आर द डेटा। एक तरह से अनप्रोसेस्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन को डेटा कह सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल लिया जाए, यहाँ पर अगर कुछ दो नाम है, एक आशीष है और एक नेहा है, ये दोनों अभी डेटा है क्योंकि हमें पता नहीं कौन आशीष है और कौन नेहा है। बट यस, दिस इज द रॉ एंड अनप्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन। रोल नंबर है या जो भी है, ये सब अनप्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन है। इन सभी को डेटा कहा जा सकता है जो भी डायरेक्ट डेटा, टेक्स्ट भी हो सकता है, फिगर भी हो सकता है, इमेज हो सकता है, नंबर हो सकता है, कुछ भी डेटा का फॉर्मेट हो सकता है। अब डेटा से इंफॉर्मेशन कैसे जनरेट करें? डेटा से अगर डेटा को प्रोसेस करा जाए तो उससे मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन जनरेट करा जा सकता है। तो मीनिंगफुल एंड प्रोसेस डेटा को ही इन्फॉर्मेशन कहा जा सकता है, या यूजफुल नॉलेज है उसको इन्फॉर्मेशन कह सकते हैं। इन्फॉर्मेशन डिपेंड करेगा डेटा के ऊपर, डेटा इन्फॉर्मेशन पर डिपेंड नहीं करेगा। जितना डेटा होगा, जिस तरीके का डेटा होगा, उस तरीके की इन्फॉर्मेशन जनरेट करा जा सकता है। अगर ये डेटा था जो अभी हमने लिया था, इसको अगर रो वाइज एंड कॉलम वाइज अरेंज कर दिया जाए तो ये रोल नंबर इस पर्टिकुलर स्टूडेंट का है और ये रोल नंबर इस पर्टिकुलर स्टूडेंट का है, तो यहाँ पर कहा जा सकता है कि डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दिया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन एक यूजफुल नॉलेज दे रहा है, नॉलेज है इस पर्टिकुलर स्टूडेंट, इस पर्टिकुलर रोल नंबर के साथ में अटैच कर दिया है। बात करते हैं टाइप ऑफ डेटा की। तो डेटा टू कैटेगरीज, दो कैटेगरीज में बहुत इजीली डिवाइड करा जा सकता है। एक चीज़ तो वंस अगेन कॉमन है, अनप्रोसेस्ड नॉलेज है डेटा, प्रोसेस्ड नॉलेज नहीं है। दो कैटेगरीज में डिवाइड करा जा सकता है। वन इज क्वालिटेटिव एंड अदर वन इज द क्वांटिटेटिव। हिंदी में कहें तो कुछ उसकी विशेषता है, कुछ उसकी क्वालिटीज़ है, गुणवत्ता है, उसके हिसाब से एक तरह से डेटा को निकाल सकते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा नॉइस हो रहा है, कलर बहुत ब्राइट है या बहुत डार्कनेस है आज, ये उसकी क्वालिटी है, उसकी प्रॉपर्टीज़ है। एंड अदर कैटेगरीज, दूसरा कैटेगरीज है जो क्वांटिटेटिव है, उसकी मात्रा है, उसको नापना है। तो उसके अंदर जैसे हाइट है किसी पर्सन की, किसी का वेट है, कोई नंबर है, जो एक तरह से कहा जाए तो हाउ मच कह सकते हैं जिसको। तो इस तरीके से दो कैटेगरीज में डेटा को बहुत इजीली डिवाइड करा जा सकता है। अब अगर बात करा जाए कि डेटा, ठीक है, दो कैटेगरीज हैं, बट हर कैटेगरीज के अंदर डेटा वंस अगेन दो कैटेगरीज में डिवाइड हो सकता है। वन इज द एटॉमिक डेटा, जिसको एलिमेंट्री डेटा भी कहते हैं, जिसको फर्दर डिवाइड और फर्दर क्लासिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। सिंगल यूनिट ऑफ डेटा वैल्यू, से फॉर एग्जांपल हाइट। ओके, हाइट जो है एक तरह से एटॉमिक डेटा है, सिंगल यूनिट ऑफ डेटा वैल्यूज है इसको। दूसरा क्लास होगा, जो दूसरी कैटेगरी होगा, ग्रुप होगा। से फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम हरी प्रभात गुप्ता है। फर्स्ट नेम हरी, मिडल नेम प्रभात एंड लास्ट नेम गुप्ता, दैट इज द ग्रुप आइटम्स, नॉट द एटॉमिक डेटा। डेटा आइटम्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करा वंस अगेन, बट ये दोनों कैटेगरीज दोनों ही टाइप के डेटा के अंदर होंगे। ये सब तो दैट मीन्स कि फोर कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। क्वालिटेटिव डेटा है, कुछ क्वालिटी के बेस्ड है, लेकिन वो एटॉमिक हो सकता है या वो ग्रुप हो सकता है। सेम एज क्वांटिटेटिव है, एटॉमिक एंड ग्रुप हो सकता है। उसके बाद बात करते हैं एंटिटीज। डेटा में ही कुछ एंटिटीज निकालते हैं। एंटिटी ए सिंगल यूनिक ऑब्जेक्ट इन द रियल वर्ल्ड। से फॉर एग्जाम्पल आई एम द एंटिटी, मैं एक सिंगल पर्सन, मैं एक एंटिटी हूँ। कोई एक कंपनी एक एंटिटी हो सकती है, एक प्रोडक्ट एक एंटिटी हो सकता है, ठीक है। एक पर्सन है, वो एक एंटिटी है, वो काफ़ी सारा डेटा रखता होगा, लेकिन उसको एक एंटिटी कहा जा सकता है इसके अंदर। नाउ फाइनली हम लोग बात करें कि डेटा को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, क्योंकि हमें तो डेटा स्ट्रक्चर पे जाना है। हम धीरे धीरे करते हैं, अपने डेटा स्ट्रक्चर पे जा रहे हैं। डेटा ऑर्गेनाइजेशन भी कम्स इन टू द पिक्चर। वेरी फर्स्ट एंटिटी, कोई एक पर्सन है, वो एक एंटिटी है, आई एम द एंटिटी। नाउ अगर एक पर्सन एंटिटी है तो उसमें कई सारे फील्ड होंगे। जैसे कि अगर स्टूडेंट एक एंटिटी है तो उसका रोल नंबर होगा, स्टूडेंट का नाम होगा, स्टूडेंट की कुछ एज होगा, उसका कुछ जेंडर होगा, एंड वो किस सेमेस्टर के अंदर है वो भी उसके अंदर होगा। ये सब फील्ड इंडिपेंडेंटली फील्ड्स कहलाएंगे।
वन फील्ड, टू फील्ड, थ्री फील्ड, फोर एंड फाइव फील्ड, यहाँ पर आपके पास में पांच फील्ड है इस डेटा सेट के अंदर, इस डेटा के अंदर। और ये किसी पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर स्टूडेंट का है, तो स्टूडेंट इज द एंटिटी एंड दीज फाइव फील्ड्स आर देयर। अगर रिकॉर्ड की बात करें तो ये कंप्लीट एक रिकॉर्ड बनता है। अगर इन सबको एक साथ जोड़ दिया जाए तो इसको हम लोग एक रिकॉर्ड कह सकते हैं। एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का रिकॉर्ड है जिसका रोल नंबर है 501, उसका रिकॉर्ड है। ये एक अनदर स्टूडेंट का रोल नंबर है जिसका रोल नंबर लास्ट डिजिट है 503। दिस इज देयर नेम, देयर एज, देयर मेल फीमेल, ऑल दीज आर देयर इन्फॉर्मेशन इज गिवन, सो दिस इज अ रिकॉर्ड। फाइनली द थर्ड इज द फाइल। अब इन सभी रिकॉर्ड्स को अगर एक साथ मर्ज कर दिया जाए तो वहाँ पर जाकर के एक फाइल बनता है। सो अगर इन तीनों रिकॉर्ड्स को एक साथ अगर मर्ज कर देते हैं यहाँ पर, तो इसको कहा जा सकता है कि यस, एक ये कंप्लीट फाइल है जिसके अंदर तीन रिकॉर्ड्स है, देयर थ्री रिकॉर्ड्स आर देयर, तीन रिकॉर्ड्स है, इसलिए इसको हम लोग एक फाइल का नाम दे सकते हैं। नाउ एक इंटरेस्टिंग थिंग यहाँ पर यह है कि डेटा सेट के अंदर तो काफ़ी सारे रिकॉर्ड होंगे। से फॉर एग्जाम्पल, अगर एक क्लासरूम का डेटा सेट है जिसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, उनमें ऑफकोर्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काफ़ी है, तो उनमें कुछ ना कुछ एक ऐसा की रखते हैं, ऐसा रिकॉर्ड होगा, ऐसा फील्ड होगा उसके अंदर, यहाँ पर कुछ एक ऐसा फील्ड होगा जो यूनिक होगा, जिससे कि हम एक रिकॉर्ड से दूसरे रिकॉर्ड में डिफ्रेंशिएट कर सके, आइडेंटिफाई कर सके कि ये किसका रिकॉर्ड है। सो यूजुअली रोल नंबर इज द यूनिक रिकॉर्ड। करेंसी की बात करें तो जो नोट का नंबर होता है वो एक यूनिक रिकॉर्ड है। अगर आधार कार्ड की बात करें तो वो एक यूनिक रिकॉर्ड है। सो ये सब एक यूनिक रिकॉर्ड है। तो इनको डेटा स्ट्रक्चर के अंदर और डेटा बेस के अंदर प्राइमरी की कहा जाता है, ठीक है, जो एक यूनिकली डिटरमाइंड द रिकॉर्ड, जो रिकॉर्ड को डिटरमाइंड करने के काम आएगा। सो इस तरह से डेटा को जमाया जा सकता है। पहले तो सबसे पहले आपके पास कुछ डेटा होगा। अगर उस डेटा जो देखा हमने, पहले सबसे पहले डेटा आता है, उस डेटा को कुछ सही ढंग से जमाने से, उसको प्रोसेस्ड करने से, उसको ऑर्गेनाइज्ड करने से, उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है। एंड डेटा, प्रोसेस डेटा, इन्फॉर्म डेटा को अगर एक फाइल के अंदर एक फील्ड वाइज जमाया जाए, देन आफ्टर उसके सो एंटिटी, देन आफ्टर एंटिटी इज द स्टूडेंट, एंड उसके बाद आता है फील्ड्स, सो रोल नंबर, नेम, एंड दीज आर द फील्ड्स, देन आफ्टर आता है रिकॉर्ड, देन आफ्टर आती है फाइल। सो इस तरीके से जमाया जाए तो ये कंप्लीट एक डेटा सेट, डेटा ऑर्गेनाइजेशन बन सकता है। बट क्या ये ऑर्गेनाइजेशन सफिशिएंट है फॉर हर तरह के डेटा के लिए और हर साइज के डेटा के लिए? नहीं, ये ऑर्गेनाइजेशन और ये सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर अगर रीडेबिलिटी होगी, इसको रीड करने की कोशिश करेंगे, सर्च करने की कोशिश करेंगे, तो बहुत टाइम लगेगा। प्राइमरी की है, एज्यूम करें कि अगर हम इसको सॉर्टिंग ऑर्डर में जमाते हैं एज के हिसाब से, पहले आप प्राइमरी की पकड़ेंगे फिर उसको सॉर्ट करेंगे, सो इट टेक्स टाइम। सो इसलिए डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट आया कि इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी ज़्यादा तो मेमोरी लेगा स्टोर करने में और काफ़ी ज़्यादा टाइम लेगा। जैसे कि अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा कि जेंडर दो ही हो सकते हैं, आइदर मेल हो सकता है और फीमेल हो सकता है। यहाँ पर इस केस के अंदर मेल जेंडर है इस केस में और फीमेल केस, केवल दो ही जेंडर है यहाँ पर। अब अगर इस तरीके से जमाया जाएगा तो पूरा कंप्लीट मेल फीमेल लिख करके आप काफ़ी ज़्यादा स्पेस लगाएंगे। लेकिन अगर इसी को ही दो टेबल्स में डिवाइड कर दिया जाए डेटा स्ट्रक्चर में, देन डेफिनेटली एक मेल की टेबल बना दी जाए, एक फीमेल की टेबल बना दिया जाए, तो एक फील्ड को वहाँ से हटाया जा सकता है। सो डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हम इन्हीं डेटास को स्ट्रक्चर्ड वे में आइदर लीनियर नॉन लीनियर किसी तरीके से जमाएंगे और इनकी स्टोरेज और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाएंगे। वो देखेंगे क्या होता है स्टोरेज एंड टाइम, बट यस, टाइम कम लगेगा एक्सेस करने में, प्रोसेस करने में और स्टोर करने में भी उसके लिए स्पेस की कम जरूरत होगी। डेटा स्ट्रक्चर पे आते हैं, डेटा तो हो गया था तो स्ट्रक्चर। सो डेटा स्ट्रक्चर क्या है? तो अभी पहले ऑर्गेनाइज करा था हमने, उसी को ही जरा एलिब्रेट करा गया डेटा स्ट्रक्चर की तरह से। सो डेटा स्ट्रक्चर को अगर डेफिनेशन देखी जाए तो अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टोरिंग द डेटा सो दैट इट कैन बी यूज इफेक्टिवली एंड एफिशेंटली। सो किसी भी डेटा को ऑर्गेनाइज करा जाए और उसको स्टोर करा जाए इस तरीके से कि जब उसको यूज करें तो वो इफेक्टिवली यूज हो, कुशलता के साथ में यूज हो और उसकी एफिशेंसी भी अच्छी हो। तो अगर हम लोग जस्ट टू कीवर्ड्स पे फोकस करें, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, इफेक्टिवली मींस कि जो रिजल्ट दे रहा है वो डिजायर्ड रिजल्ट है, सही रिजल्ट है, कम टाइम में आया है, सही टाइम में आया, और इफेक्टिवली मींस कि टाइम कम लगा है उसके अंदर, उसको स्टोर करने में मिनिमम रिसोर्सेज लगे। सो जैसे कि अगर सिंपल केस लें, अभी एक स्मार्टफोन है उसके अंदर कुछ वीडियो क्लिप्स हैं, उसको स्टोर करना है, उसको स्टोर करा गया, जब आप उसको सर्च कर रहे हैं और उसको प्ले कर रहे हैं, अगर वो सही ढंग से स्टोर नहीं होगा तो वो सही ढंग से प्ले भी नहीं हो पाएगा, मेमोरी भी ज़्यादा लेगा स्टोरेज के टाइम पे अगर उसको सही। सो दैट मीन्स कि मूवी का जो फॉर्मेट है, जो स्ट्रक्चर है, जो भी उसमें इन्फॉर्मेशन है, उसको सही ढंग से अरेंज करा गया।
यहाँ पर जैसे कि देखिए कि अगर मैप है, अब मैप को स्टोर करने के कई तरीके हैं। आप चाहें तो पूरे सिटी को जो भी स्टोरेज है, जो भी पॉइंट्स है, उसको रेंडमली अरेंज कर सकते हैं, बट उसमें अगर हमें शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है इस पर्टिकुलर पॉइंट से जाकर के और दूसरे पॉइंट तक, सो वो काफ़ी टाइम ले लेगा अगर उसको सही ढंग से मैप का मैट्रिक्स में उसको सेव नहीं करा गया होगा। अगर कोई पर्सन बोले यहाँ से यहाँ का शॉर्टेस्ट पाथ है, अगर आपने इसको मैप को सही ढंग से स्टोर नहीं कराया तो ये शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट नहीं करा जा सकता और काफ़ी टाइम लग जाएगा, और इसको स्टोर करने में रेडंडेंट भी हो सकता है तो मेमोरी भी लगेगा। बट अगर इसको सही ढंग से अगर मैप डेटा स्ट्रक्चर, ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करा जाएगा तो ये काफ़ी ईजिली होगा। सेम थिंग अगर स्टोरेज करा गया है टेबल फॉर्मेट में तो एक्सेस करना ईजी होगा और प्रोसेस करना ईजी होगा। तो डेटा स्ट्रक्चर के अंदर इस सब्जेक्ट में हम यही पढ़ेंगे कि किस तरीके से डेटा को स्ट्रक्चर सही करके उसको स्टोर करें, उसको प्रोसेस करें, ताकि उसका मेमोरी और उसका टाइम कम लगे, प्रोसेसर का, मशीन का टाइम और मेमोरी कम लगे उसके अंदर। सो अगर क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर की बात करें, सो देर इज वन प्रिमिटिव टाइप डेटा जो कि बेसिक डेटा है, जो बिल्कुल ही रॉ डेटा, जिसको बिल्कुल बेसिक डेटा कह सकते हैं। इंटीजर होते हैं इसके अंदर, इसमें कैरेक्टर्स होते हैं, इसमें रियल नंबर हो सकते हैं, इसमें बुलियन हो सकते हैं। तो ये बेसिक डेटा स्ट्रक्चर बिल्कुल कंप्लीट डेटा है, जो प्राइमरी डेटा है, इससे नीचे नहीं जा सकते, इंटीजर से छोटा नहीं कर पाएंगे। कैरेक्टर लिया है तो स्पेलिंग स्ट्रिंग तो लिया नहीं, तो दैट मीन्स कि ये भी काफ़ी बेसिक हो गया। एंड ये सिंगल वैल्यू को स्टोर करेगा क्योंकि एटॉमिक वैल्यू पे चला गया अब जा करके। एंड देर इज नो सब पार्ट क्योंकि इसका कोई पार्ट नहीं है। अब आप इंटीजर 5 लिख रहे हैं, उसको डिवाइड और ब्रेक नहीं कर सकते इंटीजर को। एंड ऑफ कोर्स ये लैंग्वेज डिपेंड होगा, अगर सी लैंग्वेज में यूज़ करा जाएगा तो बेसिक डेटा स्ट्रक्चर कुछ और तरीके से हो सकते हैं, और दूसरी लैंग्वेज पाइथन वगैरह किसी और तरीके की डेटा स्ट्रक्चर को सपोर्ट करेगा। एंड ऑफ कोर्स ये फंडामेंटल्स हैं और फाउंडेशन है इनका डेटा का, इससे नीचे नहीं जाना, दैट मीन्स ये फाउंडेशन। इसके आगे बढ़ते हैं, जो सेकंड कैटेगरी है नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, वो इन्हीं की हेल्प से बना है। ओके, सो डिराइव डेटा स्ट्रक्चर एज दे आर द डिराइव फ्रॉम प्राइमरी। सो पहले तो प्रिमिटिव निकालो, उसके बाद ही हम निकाल सकते हैं। सो एरे है, एरे इज द कलेक्शन ऑफ डेटा। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक इंटीजर का एरे लिया है तो उसमें इंटीजर वैल्यूज है, बट इंटीजर क्या था? इंटीजर प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर था, जो हमारा मेन डेटा स्ट्रक्चर था उसी को ही कलेक्शन करके अरेंज करके ही हमने एरे बनाया। सो एरे नॉन प्रिमिटिव हो गया, जो कि डिराइव करा गया उसकी हेल्प से। लिंक लिस्ट है, उसमें भी अरेंज करा गया, स्टैक है, क्यू है, ट्री है, ग्राफ है। इन सभी डेटा स्ट्रक्चर को हम इस सब्जेक्ट के अंदर, इस सीरीज के अंदर वन बाई वन कवर करेंगे। एंड इन डेटा स्ट्रक्चर्स को इजीली एक्सेस करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए कुछ ऑपरेशंस हैं जो डेटा स्ट्रक्चर में है, उन ऑपरेशंस को भी हम देखेंगे। काम के काफ़ी सारे ऑपरेशंस हैं, जैसे इंसर्शन है, कुछ एलिमेंट को इंसर्ट करना है, डिलीशन, कोई पर्टिकुलर एलिमेंट को डिलीट करना है, सर्चिंग, किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को सर्च करना है उस डेटा स्ट्रक्चर के अंदर, डेटा सेट के अंदर। एंड सॉर्टिंग, अरेंज करना है आइदर असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, उनको सही ढंग से जमाना है। तो किसी एलिमेंट को उसमें डेटा बेस के अंदर इंसर्ट करना है, जोड़ना है, डेटा बेस से रिमूव करना है, हटाना है, डेटा बेस के अंदर सर्च करना है, डेटा बेस के अंदर शॉर्ट करना है, तो इन सब ऑपरेशंस की ज़रूरत पड़ेगी। और ये जो डेटा है ये नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं। सो नाउ वी कम टू दैट वन अनदर क्लास ऑफ क्लासिफिकेशन, जो दूसरी तरह का क्लास कह सकते हैं इसको, डेटा स्ट्रक्चर को क्लासीफाई करने के लिए। वन इज़ द स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर एंड अदर वन इज द डायनेमिक। सो पहले हम ये देखते हैं कि कोई भी प्रोग्राम जब हम टाइप करते हैं तो मशीन समझती कैसे उस प्रोग्राम को। सबसे पहले तो जो मशीन है उसके अंदर एक प्रोग्राम होगा, जैसे कि मान के चले कि एक सी प्रोग्राम है, तो सी प्रोग्राम की सोर्स फाइल यहाँ पर है जिसको आपने टाइप कर दिया। अब सी प्रोग्राम कंपाइलर के पास जाएगा, जो सी प्रोग्राम का कंपाइलर है, सी कंपाइलर। कंपाइल करने के बाद वो एक ऑब्जेक्ट फाइल बनाएगा। इस ऑब्जेक्ट फाइल के अंदर जो ये ऑब्जेक्ट फाइल बनाया है, जो भी आपने यहाँ पर मेमोरी एलोकेट करा होगा, अगर एरे ऑफ द 4 अगर एलोकेट करा है तो 4 एलिमेंट के लिए इसने यहाँ पर स्पेस क्रिएट कर दिया होगा कि हाँ ठीक है, आपके पास कुछ एलिमेंट्स आएंगे उनको स्टोर करना ही है, स्पेस मिल गया यहाँ पर एट द कंपाइल टाइप पे। सो इस तरह के डेटा स्ट्रक्चर जो स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर कहलाते हैं, जिसका एग्जाम्पल एरे, जहाँ कंपाइल टाइम के अंदर आप उसको स्टोरेज एलोकेट कर देते हैं और वो ऑब्जेक्ट फाइल के अंदर आ जाए। इसके बाद जो प्रोसेस होगा वो लिंकर आएगा, जो आपने हेडर फाइल से जो भी सी लैंग्वेज के अंदर, या किसी भी पर्टिकुलर सी लैंग्वेज को हम बार बार इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इसमें सी यूज़ करेंगे, तो सी लैंग्वेज की जो भी लाइब्रेरीज हैं, जो डॉट एच फाइल है हेडर फाइल से, वो सब यहाँ पर लिंक हो जाएगा और उसको प्रोग्राम को रन कराने में काम है। देन एग्जीक्यूटेबल फाइल बनेगा जो कि आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं मशीन के ऊपर। अब इसके अंदर सभी फाइलें लिंक हो गई हैं, सब कुछ हो गया।
सो डेटा स्ट्रक्चर दो तरीके से हो सकता है। एक तो है स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर, जैसे एरे जिसने मेमोरी की रिक्वायरमेंट यहाँ पर सबमिट कर दी, आई नीड दिस लेवल ऑफ मेमोरी, मुझे इस लेवल का इतना मेमोरी चाहिए इस प्रोग्राम को रन करने के लिए। एंड द अनदर क्लास इज कि जो मेमोरी की रिक्वायरमेंट है, जो भी मेमोरी चाहिए वो एग्जीक्यूटेबल एट द रन टाइम पे चाहिए जब आप प्रोसेस पे रन कर रहे हो और जब आप मॉनिटर पे। सो इस तरह का जो डेटा स्ट्रक्चर है, जब रन टाइम पे जो मेमोरी की डिमांड करता है वो डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर कहलाते हैं, जिसमें लिंक की लिस्ट आता है, स्टैक आता है, क्यू आते हैं एंड ट्रीज वगैरह आते हैं। सो इस सब्जेक्ट के अंदर हम लोग इन सभी डेटा स्ट्रक्चर्स को देखेंगे। सो कंपाइल टाइम पे या स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर सिंप्लिसिटी के लिए काफ़ी अच्छे हैं, बहुत सिंपल है, आपने पहले से मेमोरी अपने लिए रिजर्व कर दिया ऑब्जेक्ट फाइल के अंदर ही, लेकिन स्पेस यूटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इतना अच्छा नहीं है। ये डेटा स्ट्रक्चर जो डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर है थोड़े कॉम्प्लेक्स है, बट ये इम्प्लीमेंट करने में पहले से ही इन्होंने इफिशेंट मेमोरी एलोकेशन लिया है, क्योंकि मेमोरी की जब जरूरत है तब यूज़ करेंगे, जरूरत नहीं होगी तो नहीं करेंगे। सो दोनों के अपने एडवांटेज डिसएडवांटेजेस है। यूजुअली जब हाई लेवल प्रोग्रामिंग करते हैं और जब प्रोग्राम्स काफ़ी बड़े होते हैं, काफ़ी ज़्यादा डेटा आ जाता है, तो डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर को ही यूज़ करा जाता है। स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ करना थोड़ा सा उस केस के अंदर टफ होता चला जाएगा। सो जो हमने देखा था, स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर फिक्स्ड मेमोरी एलोकेशन चाहिए फास्ट बिकॉज ऑफ द ऑल द मेमोरी एलोकेशन डन बिफोर रनिंग, जब रन होने से पहले ही मेमोरी एलोकेशन हो गया है तो वो काफ़ी फास्ट होगा। ऑफ कोर्स डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर के अंदर मेमोरी एलोकेशन डन एट रन टाइम, मेमोरी एलोकेशन कैन बी चेंज ड्यूरिंग रन टाइम, जब आप उस प्रोग्राम को रन कर रहे हैं तब आप मेमोरी एलोकेशन करेंगे, मेमोरी की डिमांड करेंगे कि हमें इतना मेमोरी चाहिए और इतना डेटा है, तो वो उस हिसाब से ऐड और रिमूव होता है। सो ऑफ कोर्स डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर मेमोरी काफ़ी एफिशिएंटली यूज़ करता है, सो उसको कह सकते हैं कि मोर एफिशिएंट डेटा स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स की, थोड़ा सा अलग हटते हैं। अभी तक हमने पूरे रॉ डेटा पे काम करा है, डेटा लिया, उसका प्रोसेस करा, इन्फॉर्मेशन आया, उसको अरेंज करा है, बट इतना सब कुछ करने से कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है सिस्टम। सो यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से सिंप्लिसिटी करने के लिए एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स को डिजाइन करा गया। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स के अंदर ऑफकोर्स ये भी सेट ऑफ वैल्यूज होगा, सेट ऑफ डेटा होगा, डेटा स्ट्रक्चर है तो डेटा तो आएगा ही, और उसके ऊपर डेटा के ऊपर कुछ ऑपरेशंस करे जाएंगे जो हमने एसोसिएट ऑपरेशंस देखे हैं, सर्चिंग, सॉर्टिंग, इंसर्शन, डिलीशन एंड ट्रेवर्सिंग, जो ऑपरेशंस है वो सारे ऑपरेशन करना जरूरी है। लेकिन ये जो भी कुछ काम होगा वो हिडन होगा फ्रॉम यूजर्स, यूजर्स को जो एंड यूजर उसको पता नहीं है कि अंदर इंटरनली किस तरीके से हो रहा है ना, वो केवल स्पेसिफिक डेटा को एक्सेस करना है। से फॉर एग्जांपल आई वांट टू सर्च ए गिवन डेटा, आई जस्ट एंटर द आइटम, मुझे किसी एक आइटम को सर्च करना है, मैं सिंपल आइटम को एंटर करूंगा, और जब वो आइटम एंटर होगा तो वो अंदर इंटरनली विदाउट एनी नॉलेज व्हाट्स हैपन अंदर किस तरीके से काम कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, आपको रिजल्ट वो दे देगा। एडवांटेज ये है कि आप अपने डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और इफिशेंटली यूज कर सकते हैं। एज्यूम दैट फोर डेटाज है ए बी सी एंड डी, इसको अगर लिस्ट में अरेंज करेंगे तो कुछ इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं ए बी सी डी, मैट्रिक्स में करेंगे तो इस तरीके से हो सकता है, ट्री में करेंगे तो ए नोड बन ए रूट बन रहा है तो बी सी एंड डी उसके चाइल्ड बनेंगे। एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर है कि ग्राफ के अंदर साइकिल होगा, ट्री में साइकिल नहीं होगा। सो ट्री से ग्राफ अगर करना है तो यहाँ पर अभी इसको कुछ साइकिल्स ऐड कर दिए, कुछ एजेस को ऐड कर दिए, जिससे कि ये अब साइकिल में कन्वर्ट हो गया। सो अब इंटरनल आर्किटेक्चर क्या है डेटा का, वो यूजर को मतलब नहीं, उसको अपने काम से कि यस। तो इसीलिए यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट डेटा स्ट्रक्चर, एब्स्ट्रैक्ट वर्ड यूज़ करा गया कि आपको केवल एब्स्ट्रैक्ट की इन्फॉर्मेशन है, आप इंटरनल इन्फॉर्मेशन के लिए हाउ इट इज हैपन इट इज़ नॉट योर जॉब, आप इनपुट दें और आउटपुट लें। सो इसके अंदर अगर देखें तो किस तरीके से इम्प्लीमेंट होगा, पहली चीज़ तो ये है कि इम्प्लीमेंटेशन जो होगा ये डायनेमिक एरे होगा, क्योंकि हमने देखा जो लिंक लिस्ट वगैरह लिया था तो मेमोरी एलोकेशन वगैरह काफ़ी सही है और दिक्कत नहीं है। और कम्युनिकेशन के लिए एज्यूम करें कि एप्लीकेशन यहाँ पर है, एक यूजर यहाँ पर है, उसको कुछ डेटा एक्सेस करना है, अगर सर्चिंग करनी है कि यस वेदर द डेटा इज अवेलेबल और नॉट इन योर डेटा सेट, तो वो यहाँ से रिक्वेस्ट डालेगा, एंटर करेगा रिक्वेस्ट कि यस ये डेटा है या नहीं है। प्राइवेट फंक्शन पब्लिक फंक्शन है जो कि यूजर से कनेक्टेड है, एंड द प्राइवेट फंक्शन है जिससे यूजर कनेक्ट नहीं हो सकता। प्राइवेट फंक्शन इंटरनल फंक्शनिंग के काम आ रहा है, पब्लिक फंक्शन यूजर से डेटा लेकर के और जो भी क्वेरीज है यूजर से लेकर के डेटा स्ट्रक्चर में देता है, डेटा स्ट्रक्चर में उसका प्रोसेसिंग होती है। अगर कोई प्राइवेट फंक्शन की ज़रूरत है अगर स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस वगैरह के लिए, तो यहाँ से लेगा। प्राइवेट फंक्शन पब्लिक फंक्शन कनेक्टेड हो सकते हैं रिजल्ट देने के लिए, और ये रिजल्ट यहाँ से मिलेगा। नाउ इंटरेस्टिंग थिंग ये है इसके अंदर कि पब्लिक फंक्शन से ही यूजर कनेक्टेड है, प्राइवेट फंक्शन से और डेटा सेट से यूजर कनेक्टेड नहीं है। यहाँ पर यूजर जो कनेक्शन दे रहा है वो केवल और केवल पब्लिक फंक्शन से, यूजर जो है वो केवल पब्लिक फंक्शन से दे रहा है, ना कि वो प्राइवेट फंक्शन या डेटा। सो आपका डेटा भी सेव है और आपके फंक्शंस भी सेव है, और यूजर्स को
यूजर को कोई मतलब भी नहीं है कि आप किस तरीके से, तो दैट टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर इज द एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, और ये काफ़ी हेल्पफुल होता है ताकि कॉम्प्लेक्सिटी कम कर सके। सो इस पार्ट के अंदर हमने इंट्रोडक्शन देखा अबाउट डेटा, अबाउट इंफॉर्मेशन, अबाउट डेटा स्ट्रक्चर, हाउ वी कैन अरेंज एंड व्हाट नेक्स्ट। नेक्स्ट पार्ट के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एल्गोरिथम्स में कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी या कॉम्प्लेक्सिटी किस तरीके से कैलकुलेट करी जाती है, डेफिनेशन वगैरह। एंड इसके बाद सब्जेक्ट चालू हो जाएगा जिसके अंदर हम लोग ऑलमोस्ट सभी तरह का डेटा स्ट्रक्चर को देखेंगे एंड उनमें जो ऑपरेशंस हो सकते हैं वो ऑपरेशंस को देखेंगे कि किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। सी लैंग्वेज को यूज़ करेंगे इनके अंदर इम्प्लीमेंटेशन में एंड कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।